आज हम लोग पास्ट का ही बात कर रहे हैं, तो कल हम पास्ट इंडेफिनिट का हम कल कर चुके थे, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस करने वाले हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में पहचान आप लोगों को पता होगा, ये तो हर कोई जानता है। अंत में क्या होना चाहिए देख लीजिए, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि लगाओ, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है देख लीजिए, स्ट्रक्चर यूं होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी जुड़ता है प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक समझेंगे, इसे नोट कीजिए तब आपको समझ में आएगा। राम आम खा रहा था, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेंटेंस पहचानने का सिस्टम है कि अंत में रहा था, रही थी होंगे, तो राम आम खा रहा था, ठीक है। तो अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वी पुट सब्जेक्ट एंड हियर इज सब्जेक्ट राम, लिख दीजिए राम। उसके बाद वाज या वर्ब, तो यहाँ पे लगेंगे वाज एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म ई ए टी इट, और फोर्थ फॉर्म में आई एन जी जुड़ता है, राम वाज ईटिंग मैंगो, ये आपके हो गए कंप्लीट। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, देख लीजिए दे वर प्लेइंग। अगर आपका ऑब्जेक्ट है इसमें जैसे प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट, तो आप लिख सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट, तो इस तरह से बनेंगे। जहां तक के सवाल है वाज अवर कहाँ प्रयोग होता है, तो आई और ही सी इट या कोई नाम के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे, जबकि वी यू दे या द बॉयज यानी प्लूरल फॉर्म्स के साथ आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर के साथ जो है आप वाज का प्रयोग करेंगे, सिंपली है, प्लूरल्स के साथ आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, देवा ठीक है, इसे बिठा रहे हैं ना, आगे हम निगेटिव में काम करते हैं। अरे मेरा कैमरा मैन है, आज भी सो रहा है, सब सेटिंग ढंग से नहीं किया है। चलिए गाइस नेक्स्ट बातें करते हैं निगेटिव का। ये आपका अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अब निगेटिव की बातें करते हैं यानी नकारात्मक, जहाँ सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब का प्रयोग होता है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, है ना, प्लस नोट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कायदे कानून से फटाफट पढ़ते चले जाइए। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में ले लेते हैं वे लोग
नहीं, खेल रहे थे। चलिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सब्जेक्ट वेलो, यानी दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज हो जाएगा। वेयर दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। और एग्जांपल ले लीजिए, आई वॉज नॉट स्पीकिंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोल रहा था। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। यहाँ पे आ रहा लाइट, नोट से नहीं लिखा रहा। यहाँ पे, यहाँ, अच्छा लाइट है, ओके। ये अगर नजर नहीं आ रहा कैमरा में, तो इसको आओ डार्क कर देते हैं। अब आया नजर, चलिए ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव। नोट जरूर कीजिएगा, फटाफट करते चलते हैं, बहुत इजी है, भारी नहीं है। इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं, ये वाला इधर आ जाता है, वाज वर्ब पहले आ जाता है, ये सब्जेक्ट इधर चला जाता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ले लीजिए एग्जांपल, मोहन, सॉरी मोहन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि क्या मोहन जा रहा है, जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक चीज आप ऐड कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के आधार पे आप कर लीजिए। वाज वर्ब, यहाँ मोहन है, नेम है, इसलिए यहाँ पे लगेगा वाज, उसके बाद मोहन, वाज मोहन गोइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहेंगे कि क्या मैं अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर लीजिएगा, वाज आई टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव के। नजर नहीं आ रहा है नीचे, इधर ऊपर बोले तो एस प्लस ये वाला, गजब की बेइज्जती है यार, नहीं नजर आ रहे हैं तो फिर से इसको लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आ गए नजर, ये क्या मामला है, दो बार लिखना पड़ रहा, गजब क्रिस्टी। अभी फिलहाल आ गया, यहाँ पे है कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव के, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव का भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा बाद में उतरते रहेगा। से मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। आपके हाथ में प्ले बटन है, आप चाहो तो रोक सकते हो, आप चाहो तो चालू कर सकते हो, अपने इशारे पे एकदम बोलो कि पढ़ाना शुरू कीजिए सर, तो सर बोलने लगेंगे, बस बटन दबाने की देर है,
बटन फिर ऑफ कर दो तो सब रुक जाएंगे, तो वो आपके हाथ में है, आप लिखिए, नोट कीजिए। इंट्रोगेटिव तक के हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे इंट्रो नेगेटिव। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंट्रो प्लस नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव का हो गया उसी तरह से वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहने के लाइट है नहीं आ रहा है, आज हो क्या गया है। फिर से मैं इधर लिख दे रहा हूँ और जूम करके, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, अब तो आएगा ही, अब नहीं कहे आएगा। आ रहा है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए आप थोड़ा सा मजे मजे से पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल ले लीजिए। ये रहे एग्जांपल, और एग्जांपल क्या हो जाएंगे कि क्या मैं हिंदी ना ही नहीं बोल रहा था क्वेश्चन मार्क। अब इसको ट्रांसलेट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। वाज रहा था नहीं आ रहा था। व्हाई डोंट नॉट कमिंग इन कैमरा। आज मेरा लगता है कि कैमरा का सेटअप जो है ना जबड़ा गया, दूसरा कैमरा खरीदना पड़ेगा। अच्छा कोनो दिक्कत नहीं है, कल ले आते हैं। चलिए क्या मैं हिंदी नहीं बोल रहा था, अब तो आ गया ना। वाज आई नॉट स्पीकिंग हिंदी क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। लेकिन एक चीज आपको मैं हर टेंस में नहीं बता पा रहा था टाइम की किल्लत की वजह से, और कभी कभी लाइट चला जाता है इसकी वजह से। ये क्या क्यों कैसे अगर बीच में आ जाए तब का कीजिएगा। कैसे वह क्यों हिंदी बोल रही थी क्वेश्चन मार्क। ये नहीं सही लिख पाया, ये चल फिर से लिख दे रहे हैं। वह क्यों हिंदी बोल रही थी, क्यों, ये तो यहाँ पे क्या क्यों क्या पहले आ जा रहा है, लेकिन यही क्यों या क्या बाद में अगर आता है या कैसे, तो इसका थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें स्ट्रक्चर हो जाएंगे इस तरह से, वाई पहले आ जाएंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं ये। Why was she speaking Hindi? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बनते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इसका स्ट्रक्चर, इसका पहचान याद रखेंगे और इसे बनाते चलेंगे, समझ में आता चला जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस का आज आपका क्लियर हुआ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।